हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों आज का वर्क करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेट डालेंगे। डेट है हमारी 8 मई 2020। डे लिखेंगे फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। सब्जेक्ट हमारा हिंदी और क्लास सेकंड क्लास के बच्चों के लिए वर्क है। तो बच्चों सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे वर्णमाला लिखो अ से ज्ञात तक, यानी आज से पहली वाली क्लास में आपने जो छोटे या बड़े या सीखे थे आपको वो रिवाइज करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेर, इस तरीके से आपको पूरे छत्र ज्ञात तक लिखने हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, निम्न वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को अलग अलग करके लिखा है यहाँ पर, फिर उनको आपको मिलाकर सही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है। जैसे कि मैंने लिखा है अ प्लस म प्लस न, तो इसको हम मिला के यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा अमन। और इस तरीके से आपको ये अ और ये आ की मात्रा, फिर ज, फिर आ की मात्रा और फिर द, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर। इस तरह से व ग, फिर ई की मात्रा है, विच है, फिर आ की मात्रा है, फिर इसको हम मिला के यहाँ लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन शब्दों को मिलाते हुए इन शब्दों को यहाँ पर सही सही बनाना है आपको। मुझे समझ में आके आपको किस तरीके से करना है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, मछली का सुंदर सा चित्र बनाओ एवं रंग भी भरो और उसकी एक कविता भी लिखो। तो अब यहाँ पे मैंने एक मछली बनाई है बच्चों, आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक में एक मछली बनानी है और फिर मछली बना के उसमें सुंदर सुंदर से कलर भी भरने हैं। और फिर बच्चों आप मछली के बारे में सभी जानते हैं और आप सभी बच्चों ने जब छोटी क्लास में एक मछली की कविता पढ़ी थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो बस वही कविता आपको एक सुंदर सा चित्र बनाने के बाद उसके बराबर में साइड से यहाँ पे वो वाली कविता लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज का वर्क आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। तो कल के लिए हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।